नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस के माथुर G2S एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज आपको पता है कि आज से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो गया है, इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं आपके यूपीपीएससी एई का इंटरव्यू स्टार्ट हो गया है और आज फर्स्ट डे था इंटरव्यू का। तो एक्सपीरियंस जो स्टूडेंट्स ने शेयर किया है वो मैं आपको जल्दी से बताऊँगा, ठीक है। और आगे जिसका भी इंटरव्यू है वो मुझसे कमेंट करके या मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके 9807886133 पे मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, ताकि मैं आने वाले आपके जो जूनियर्स हैं उनके लिए कुछ हेल्प प्रोवाइड कर सकूं वीडियो के माध्यम से। अभी मैं आप लोगों को, जिनका अभी इंटरव्यू बाकी है, क्योंकि आपको पता है आज फर्स्ट डे था, अभी और होना है, तो आपको एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ क्या क्या आपको तैयारी करके जाना है। तो मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊँगा, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पे आपका फोकस होना चाहिए, टेक्निकल भी और नॉन टेक्निकल दोनों। मैं बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स आपको देख के जाने हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पे दोनों। उससे पहले मैं आज आपको एक्सपीरियंस शेयर कर दूं, स्टूडेंट्स ने जो मुझसे शेयर किया है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने बात की है, कुछ क्वेश्चंस कॉमन हैं और कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में बहुत ईजी हैं, जो कि मैंने जो 2013 वाले जो इंटरव्यू हुए थे उसके ही वीडियोस मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं। आप जाइएगा G2S Academy पे सर्च कर सकते हैं, या आप 2013 यूपीपीएससी एई 2013 बाई एस के माथुर सर्च करेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। सबसे आपको उस समय के भी मैंने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं आपको, ठीक है, तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम चलते हैं अब आज का जो एक्सपीरियंस बच्चों ने शेयर किया उसकी ओर, ठीक है। सबसे पहले मैं पैनल्स की जानकारी दे दूं आपको, पैनल क्या है। आज का जो पैनल था, सिविल के 5 पैनल बैठे हुए हैं, सिविल में 5 पैनल हैं, ठीक है, 5 पैनल सिविल के हैं। इलेक्ट्रिकल का 1 पैनल है, इलेक्ट्रिकल का 1 पैनल है, ठीक है, और मैकेनिकल के 2 पैनल हैं, मैकेनिकल के 2 पैनल हैं, और आपके एग्रीकल्चर का 1 पैनल है, एग्रीकल्चर का 1 पैनल है। टाइमिंग आपको पता ही है कि अलग अलग स्लॉट में बुलाया गया है बच्चों को, और मैं आप शेयर करने जा रहा हूँ सिविल की इन्फॉर्मेशन, और ये हर ब्रांच के लिए जो नॉन टेक्निकल है वो कॉमन रहेगा और टेक्निकल में बहुत जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। तो पहला जो एक पैनल है आर्यन त्रिपाठी जी का, उसको इसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। चेयरपर्सन थे आर्यन त्रिपाठी जी, उनके पैनल में एक स्टूडेंट ने अपना जो शेयर किया है वो सबसे पहले बेसिक इसमें जो इस स्टूडेंट से था, कुछ स्टूडेंट से इंट्रो पूछा जा रहा है बेसिक, कुछ स्टूडेंट से इंट्रो नहीं पूछा जा रहा है। इंट्रो मतलब आपने कहाँ से बीटेक किया है, ये केवल, ठीक है, और कुछ से इंट्रो के बारे में पूछा गया है और कुछ से इंट्रो के बारे में नहीं पूछा गया, कुछ से डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं और कुछ से पहले इंट्रो पूछा गया है, ठीक है। तो ये आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं तैयार रहें, हो सकता है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए बिना आपकी इन्फॉर्मेशन से। ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और आपने कहाँ से बीटेक किया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। उसके बाद इनसे पूछा गया स्टील में कौन कौन से कंटेंट मिलाए जाते हैं, सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिकल और सिविल दोनों। तो आपका स्टील मेनली आपको पता ही कितने प्रकार की होती है, स्टील में मेन आपका कार्बन और स्टील का ही कंटेंट होता है, आपको पता है कार्बन मिलाया जाता है। कार्बन का परसेंटेज बढ़ाने से उसकी जो होती है स्ट्रेंथ बढ़ती है, और कार्बन कंटेंट कम करने से उसकी डक्टिलिटी बढ़ती है। कितने प्रकार के होते हैं ये आपको, जैसे HYHD बार हो गया, ठीक है, HYHD बार हो गया, TMT बार हो गया, ठीक है, आजकल कौन सा यूज़ किया जाता है स्टील बार में, ये पूछा जा सकता है, और आपका कास्ट आयरन हो गया, ठीक है, माइल्ड स्टील हो गया, ये सब क्या है इसमें एलॉय होता है, किसका किसका, आयरन और कार्बन का, ठीक है। एक आपकी क्रोमियम स्टील होती है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील होती है, स्टेनलेस स्टील आपने सुना होगा, स्टेनलेस स्टील किसका, सॉरी, स्टेनलेस स्टील एलॉय होता है किसका, आयरन एंड क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम, ठीक है, एलॉय जो होता है स्टेनलेस स्टील जो बर्तन होते हैं आपके वो यूज़ किए जाते हैं। तो TMT से रिलेटेड पूछा गया, फुल फॉर्म पूछा गया इसका, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड, इसका प्रिंसिपल भी पूछा गया, इसका फुल फॉर्म पूछा गया थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड, पता ही होगा इसमें इसका प्रिंसिपल कैसे बनाया जाता है, ये भी पूछा गया, प्रिंसिपल पूछा गया कैसे बनाया जाता है ये पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया जो चेयरपर्सन के द्वारा पूछा गया कि जो आपके घर का हाउस वेस्ट होगा, हाउस का जो वेस्ट है उसको हम हाईवे में कैसे यूज़ कर सकते हैं, हाईवे इंजीनियरिंग में या हाईवे बनाने में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया, कैसे यूज़ किया जा सकता है, ठीक है।
क्या आप हाईवे में जो वेस्ट है उसको फिलिंग के तौर पे यूज़ करेंगे? नहीं, क्योंकि उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो कैसे यूज़ करेंगे, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नॉन टेक्निकल था, नॉर्मल। और एक नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया कि जिस रूम पे आप बैठे हैं उसका टेम्परेचर कितना होगा। तो नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपसे पूछ लेगा नॉर्मली कि आप अभी बाहर बैठे थे, आपने कुछ ऑब्जर्व किया, जहाँ आप बैठे थे वहाँ के रूम का साइज़ क्या था, आप अभी पानी पी के आए हैं क्या, पानी कितना आपने पिया था, तो आप बताएंगे। जब भी यूनिट के साथ बताएगा तो वो किसी दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करवा सकता है। इस रूम का टेम्परेचर क्या होगा अप्रॉक्स, जो भी हो यूनिट के साथ, डिग्री सेल्सियस। जैसे नॉर्मल अभी हल्का सा ठंड है, तो वही आप बोल सकते हो 25 to 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में बोल सकते हो। टेम्परेचर की अलग अलग यूनिट होती है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री रूमर, डिग्री केल्विन, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ये टेम्परेचर से रिलेटेड हो गया, ठीक है। ये पूछा गया एक बच्चे से। उसके बाद ये मैं पूरा जो नॉर्मल टाइमिंग है इंटरव्यू का वो 10 मिनट एवरेज चल रहा है, 10 से 15 मिनट, 9 से 10 मिनट ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद इरिगेशन में बच्चे से पूछा गया ड्यूटी एंड डेल्टा क्या होता है। ड्यूटी एंड डेल्टा सबको पता है, इरिगेशन में ड्यूटी डेल्टा क्या होता है, ये इसकी यूनिट भी पता रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है ड्यूटी डेल्टा का रिलेशन वाला, वो भी पता रखिएगा। उसके बाद उससे पूछा गया वीट और राइस की डेल्टा कितनी होती है, वीट एंड राइस की डेल्टा कितनी होती है। ये आप इरिगेशन में बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। ड्यूटी डेल्टा में अच्छे से डिफरेंस पता होना चाहिए, और ड्यूटी डेल्टा में आपसे बताया जाता है कि ये आपकी रिवर है, उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि ब्रांच, मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल, फिर ऐसे आपका फील्ड में पहुँचता है। तो ड्यूटी कहाँ ज़्यादा होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फील्ड के आउटलेट में कि रिवर के आउटलेट में, ठीक है। तो ड्यूटी की अच्छे से डेफिनेशन याद रखिएगा, हेक्टेयर पर क्यूमेक यूनिट होती है, डेल्टा आपका सेंटीमीटर में होता है, ये सब आप याद रखिएगा। यूनिट और रिलेशन जो था, डेल्टा इक्वल टू 8.64 B/D, ठीक है। ये डेल्टा और ये बेस पीरियड और डी ड्यूटी, आपकी यूनिट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डेल्टा वीट और राइस का पूछा गया, ये तो आपको मिल ही जाएगा। उसके बाद CBR मेथड पूछा गया, CBR का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, हाईवे से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। CBR के मेथड कौन कौन से हैं, CBR में क्या करते हैं, CBR क्यों यूज़ करते हैं, ये सब क्वेश्चंस बेसिक आप इस मेथड को पढ़ लीजिएगा। तो हाईवे में से रिलेटेड जितने भी मेथड हैं वो सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि आपका हाईवे में आपके कई मेथड्स हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन, रिजिड पेमेंट डिज़ाइन, वो पढ़ के जाइएगा कौन कौन से मेथड हैं, और कौन आपका CBR टेस्ट क्या होता है, प्लेट लोड टेस्ट क्या होता है, अलग अलग टेस्ट हैं सब ग्रेड के लिए, वो सब टेस्ट आप पढ़ के जाइएगा। नॉर्मल आपसे ये हाईवे में पूछे जा रहे हैं। फिर सॉइल में से क्वेश्चन पूछा गया अर्थ प्रेशर क्या होता है, अर्थ प्रेशर क्या होता है, तो आपको पता है एक्टिव और पैसिव अर्थ प्रेशर, जो भी कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके बैकफिल में जो भी फिलिंग होगी उससे जो प्रेशर लगेगा वो अर्थ प्रेशर कहलाता है। आपके तीन होते हैं एक्टिव, पैसिव और एट रेस्ट, तो इनसे पूछा गया सबसे ज़्यादा कौन सा होता है। तीन होते हैं एक्टिव, एक्टिव जिसमें वॉल मूव करती है अवे फ्रॉम द बैकफिल, पैसिव, पैसिव और आपका एट रेस्ट, एट रेस्ट, ठीक है। तो इसका आपका इसमें पढ़ोगे जाके तो आपको एक ऐसे करके ये मिलेगा, जिसमें आपका मैक्सिमम क्या होता है एक्टिव पैसिव, ये रेस्ट पे होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है वही पूछा गया, तो आप इसमें देख लीजिएगा एक्टिव ज़्यादा होता है, पैसिव ज़्यादा होता है कि एट रेस्ट ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है ये भी पूछा गया बच्चे से, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम क्या होता है, उसके बाद ड्राई, इसमें ये पूछा गया क्वेश्चन यूनिट वेट से रिलेटेड। यूनिट वेट आप सॉइल में जाएंगे, सॉइल का क्वेश्चन है, मेथड्स आपको पता होना चाहिए यूनिट वेट निकालने के मेथड, आप अलग अलग मेथड होते हैं जैसे कोर कटर मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक है, आपका वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये कुछ मेथड्स हैं आपके। यूनिट वेट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कोर कटर मेथड, यूनिट वेट आपको पता ही है, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। तो इसमें आपके कई यूनिट वेट होते हैं, जैसे हम पढ़ते थे सॉइल में पढ़ेंगे अगर, तो थ्री फेज डायग्राम होता है, ये भी पूछा गया है कई बच्चे से, सॉलिड, वाटर और एयर, इसको थ्री फेज बोलते हैं, और टू फेज में आपका हो सकता है सॉलिड या फिर एयर या फिर सॉलिड और वाटर, ठीक है। तो ये आपका सेचूरेटेड हो गया, और ये आपका ड्राई हो गया, और ये आपका थ्री फेस हो गया, ये टू फेस हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको जितनी भी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो पता होना चाहिए, जैसे कि वॉइड रेशियो क्या होता है, ठीक है, वॉइड रेशियो क्या होता है, और आपका पोरोसिटी क्या होता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है, वाटर कंटेंट क्या होता है, इन सब के बीच में रिलेशन क्या होता है, फार्मूला पूछा जा सकता है, यूनिट वेट क्या होता है, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, RD, ठीक है, या गामा डी भी बोलते हैं इसको,
और एक आपका रिलेटिव कॉम्पेक्शन करके होता है, वो सब ये आपके बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ओपीसी पूछा गया था, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो होता है, ओपीसी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहाँ यूज़ होता है, ये आपका वहाँ पे याद है क्या आप लोगों को, सॉइल में है क्या, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहाँ पे होता है, गामा डी और वाटर कंटेंट के बीच में, गामा डी और वाटर कंटेंट के बीच में, जब हम क्या कहते हैं कॉम्पेक्शन के चीज, कॉम्पेक्शन के केस में, कॉम्पेक्शन और कंसोलिडेशन में डिफरेंस भी पूछा जाता है। कॉम्पेक्शन में क्या होता है, एयर बाहर निकलती है, कंसोलिडेशन में आपका वाटर, ठीक। तो इसमें जब कॉम्पेक्शन करते हैं तो आपका यूनिट वेट बढ़ता जाता है, एक पॉइंट के बाद यूनिट वेट क्या होता है, कम होता है। जैसे जैसे आपका भारी चीज़ से करोगे तो कर्व शिफ्ट होता है किस साइड, आपका राइट की लेफ्ट, आपका एक लाइन ऑफ ऑप्टिमम आती है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट को ज्वाइन करते हैं, आपका ऐसे करके कर्व शिफ्ट होता जाता है, ठीक है ये, ठीक है। तो ये मैक्सिमम जो होता है गामा डी, ये गामा डी मैक्स है, उसके करस्पॉन्डिंग ये इससे कर दे रहा हूँ, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये जो गामा डी मैक्स होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो मॉइस्चर कंटेंट होगा उसको ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं, ठीक है। ये आपका पूछा गया, ये सब चीज़ें पूछी गई। और एक चीज़ और बता दें, नॉन टेक्निकल में, नॉन टेक्निकल में बच्चों से, नॉन टेक्निकल में जो मैंने पहले ही बताया था, करंट से रिलेटेड इश्यूज आपके पूछे जाएंगे, करंट इश्यूज वो पूछे भी जा रहे हैं, जैसे कि कई चीज़ें पूछी गई, आपका अटल टनल करके है एक, अटल टनल जो कि आपकी, ये पूछा गया था बच्चों से, रोहतांग पास जो है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हाईवे टनल है जो कि बिल्ड की गई है, ये पूछा गया है, हाईवे टनल, हाईवे टनल बिल्ड अंडर रोहतांग पास, ये आप देख सकते हैं, रोहतांग पास ये लॉन्गेस्ट टनल है आपकी, कहाँ पे, इन ईस्ट ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालय, रेंज ऑफ हिमालय, हिमालय, ठीक है। और ये इसकी जो लेंथ है वो लेंथ पूछी गई थी, उससे बच्चा नहीं बता पाया क्योंकि इतने डीप में नहीं पड़ के जाते हैं, 9.02 किलोमीटर लेंथ है उसकी, और ये लॉन्गेस्ट टनल है आपकी, लॉन्गेस्ट टनल है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन और टेक्निकल में पूछा गया उससे, ये तो बच्चा नहीं बता, नॉर्मल कोई नहीं बता पाएगा जनरली। उसके बाद क्वेश्चन सर्वेइंग से पूछा गया, सर्वे से उनसे पूछा गया, जैसे कि मैं पुराना वीडियो भी है वो भी आप देख लीजिए, पूरा इंटरव्यू की डिटेल बताई हुई है, टाइप ऑफ सर्वे उसका मैं लगा भी दूंगा, टाइप ऑफ सर्वे आप चैनल पर जाके भी सर्च कर सकते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे, सिटी सर्वे, ठीक है, ये वाले सर्वे जो होते हैं आपके, ये आपका टोपोग्राफिकल सर्वे, ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वे हैं वो पूछा गया। लेवलिंग के टाइप पूछे गए, लेवलिंग के टाइप पूछे गए, कितने प्रकार की लेवलिंग होती है, टाइप ऑफ लेवलिंग, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, उसके बाद भी कई कई क्लासिफिकेशन होते हैं आपके, लेवलिंग से देख लीजिए, कभी कभी फिगर भी बनवाता है और वो आपका फॉर्मूला भी पूछता है, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इक्वल समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल, ये भी आपसे पूछ सकता है। इन्वर्टेड वाले केस में आरएल निकालने का पूछता है, रिड्यूस लेवल क्या होता है, प्लेन टेबल में पूछा गया एलिडेट के बारे में, प्लेन टेबल में बच्चों से पूछा गया है एलिडेट के बारे में, और प्लेन टेबल के मेथड भी पूछे गए हैं, प्लेन टेबल में जो आपका रिसेक्शन मेथड होता है, रेडिएशन मेथड होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड हैं, ठीक है, ओरिएंटेशन चेक करने के लिए जो मेथड है वो सब भी पूछे गए हैं, हाईवे में आपका रिजिड पेमेंट और फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिज़ाइन पूछी गई है, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट की डिज़ाइन पूछी गई है, मेथड्स जो होते हैं वो पूछे गए हैं, डिटेल तो नहीं पूछी गई। तो ये कुछ कॉमन था, एक और स्टूडेंट का मैं लगाता हूँ जिनका आज इंटरव्यू था, उसमें इनका पैनल 3 था, नाम नहीं पता था उनको कि किसके पैनल में पढ़ा है। सबसे पहले इनसे इंट्रो नहीं पूछा गया, इनसे इंट्रो नहीं पूछा गया, इंट्रो नहीं पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन डाला गया कि पी जो आपका पीडब्ल्यूडी की स्थापना कब हुई थी, पीडब्ल्यूडी की स्थापना कब हुई थी, और इस्टेब्लिश कब हुआ था, इस्टेब्लिश कब हुआ था और किसने किया था, किसने किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था, फॉर्मल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, पीरियड कब से कब था ये भी पूछा गया है, नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आपके हाईवे में भी पढ़ाया जाता है, पीरियड कब से कब कोई नहीं बता पाएगा, स्थापना कब की गई, और इनसे पूछा गया कि इन्होंने कैनाल के वर्क के रिलेटेड कुछ काम किया था,
वो बताइए, तो वो भी आप तैयार होके जाइए, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि टेक्निकल में इनसे बीएमसी से पूछा गया, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन में इनसे सीमेंट के कंस्टिट्यूएंट कई बच्चों से पूछे गए, सीमेंट के कंस्टिट्यूएंट जो कि बेसिक है और किससे क्या मिलता है ये आपको पता होना चाहिए। कंक्रीट का कंस्टिट्यूएंट पूछा गया एक बच्चे से, कंक्रीट इनसे जो पूछा गया था कंक्रीट का कंस्टिट्यूएंट और कंपोजिशन पूछा गया क्या कंक्रीट का, ठीक है। स्टील का ग्रेड पूछा गया इनसे, स्टील का जो ग्रेड होता है Fe, जैसे आपका 415 या 450 है तो ये क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। आप सबको पता है ये Fy होता है, यील्ड स्ट्रेंथ होती है 450 न्यूटन पर mm², ठीक है। इनसे भी TMT के बारे में पूछा गया, कौन सा प्रेफर किया जाता है, कौन सा प्रेफर किया जाता है, तो TMT आज के टाइम प्रेफर किया जा रहा है, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड। ये काफ़ी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कई बच्चों से रिपीट हुआ है। सर्वेइंग में नॉर्मल आपका प्रिंसिपल पूछा गया, सर्वेइंग में प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग पूछा गया है, होल टू पार्ट क्यों करते हैं, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है आपका प्रिंसिपल क्या होता है। फ्रॉम टू गिवन पॉइंट वी कैन रीच अप टू द थर्ड पॉइंट, वो कई मेथड होते हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट ताकि एरर एकुमुलेट ना हो, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, होल टू पार्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। अंदर की ओर बढ़ते हैं बाहर से आते हुए, स्टेशन फिक्स करके अंदर की ओर। कंटूर से क्वेश्चन पूछा गया इनसे, कंटूर ठीक है क्या होता है, कंटूर इंटरवल क्या होता है, कंटूर इंटरवल पूछा गया, ठीक है। देखिए माय डियर, कॉन्फिडेंस बहुत हाई होना चाहिए, और बिना कॉन्फिडेंस के आप वहाँ पे नॉलेज है तो आप परेशान हो जाएंगे। कई लोगों को देखा है जो गवर्नर के नाम नहीं बता पाते हैं, ठीक है। इसलिए आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, वो तभी होगा जब आप पढ़ के जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस हाई करके जाइए, जो आपके नॉर्मल चीज़ें हैं, बेसिक बेसिक डेफिनेशंस पढ़ के जाइए, उसको समझ के जाइए, रट के कुछ नहीं जाना है। और एक पूछा गया कि मान लो कि आप साइट इंजीनियर हो और आपको किसी फील्ड का एरिया निकालना है, किसी फील्ड का एरिया कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करोगे। तो जो आपके मेथड्स होते हैं सर्वेइंग में एरिया कैलकुलेट करने के, ट्रेपेजॉइडल मेथड, सिम्पसन 1/3 रूल, ये सब आपके मेथड हैं। उसका फॉर्मूला भी पूछा गया, फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, ट्रेपेजॉइडल रूल, मिड सेक्शन रूल, ठीक है। ये फॉर्मूलेज भी आपको, सिम्पसन 1/3 रूल, सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा होता है ये पूछा गया, तो कौन सा प्रेफर करोगे, तो आपका जो भी आपने पढ़ा होगा सिम्पसन 1/3 रूल को प्रेफर किया जाएगा। और ये अचंभे वाला क्वेश्चन एक पूछा गया चेयरपर्सन के द्वारा, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आप रेडी होके जाइए। जो रिलीजियस क्वेश्चंस हैं, जैसे कि इस समय रिलीजियस क्वेश्चंस पे फोकस ज़्यादा किया जा रहा है, पैनल पे जो बैठे हैं वो लोग भी इसमें शायद इंटरेस्टेड रहते हैं, आप लोगों को न्यूट्रल रहना है वहाँ पे। आप लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं जताना है कि भैया गीता बहुत महान है और कुरान बहुत महान है या बाइबल बहुत महान है, ये सब नहीं बोलना है। वैसे जो मुझे लगता है, अपना देश संविधान से चलता है और ये सब रिलीजियस बुक्स हैं, कोई भी कभी किसी अपने धर्म को खराब नहीं कहेगा। तो संविधान ने हमें बताया कि सब बराबर हैं, ऑल रिलीजियंस आर इक्वल और इक्वली ट्रीटेड, ठीक है। तो आपको वहाँ पे भावनाओं में बह नहीं जाना है कि अरे भैया गीता महान है, कुरान महान है, बाइबल महान है, ठीक है। आप नॉर्मल रहिएगा, चेयरपर्सन जो बोलता है रिलीजियस टॉपिक मत छेड़िएगा कभी अपना। अगर आप किसी पार्टी के समर्थक हैं, आप किसी रिलीजन के समर्थक हैं, तो वहाँ पे आप ये ओपनली ओपन मत करिएगा। जो सामने वाला बोल रहा है वो ध्यान से सुनिएगा, आपका ओपिनियन पूछते हैं तो आप ऐसा जवाब दीजिएगा जो कि किसी के फेवर में ना हो और नॉर्मल जो मानवता होती है उसके फेवर में हो। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन कि गीता कुरान बाइबल के बारे में पूछा गया, पढ़ी है आपने, ये पूछा गया, इसकी स्टडी की है क्या आपने, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इनकी ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहिएगा माय डियर, क्योंकि और इसमें कभी भी आप मुखर होके सामने मत आइएगा कि ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये धार्मिक ग्रंथ हैं और इस पर आपको कोई टिप्पणी नहीं करनी है। पॉलिटिकल पॉलिटिकल इशू अगर कोई बोले, कोई भी पार्टी, बीजेपी नंबर 1 पार्टी है इस समय अपने देश की, और सेकेंड नंबर पे कांग्रेस है सबसे बड़ी पार्टी, और थर्ड सबसे बड़ी पार्टी आपकी BSP है, ठीक है, वोट बैंक के हिसाब से। तो अगर कोई भी समर्थन करे, बीजेपी का समर्थक हो सकता है वहाँ 3 में से 1 बैठा हो, कांग्रेस का समर्थक हो सकता है, सबसे बड़ी पार्टी और भी आपकी लोकल पार्टी है सपा, जैसे यूपी की हो गई, तो आप सब जानते हैं इनके बारे में। लेकिन कभी भी आप प्रखर होके या वहाँ पे आपको समर्थन नहीं करना है किसी चीज़ का। हो सकता है चेयरपर्सन कर दे,
अरे भैया कांग्रेस बहुत अच्छी थी, बीजेपी ये है, बीजेपी बहुत अच्छी थी, कांग्रेस ये है, या बसपा का प्रशासन बहुत अच्छा था, ऐसा कुछ बोले तो आप माय डियर न्यूट्रल रहिएगा। वो आपका जो हो सकता है चेयरपर्सन जो है आपसे नाराज हो जाए और मार्क्स आपके काट लें, तो आपको पॉलिटिकल और रिलीजियस किसी भी चीज़ में फंसना नहीं है, ठीक है? तो अगर आपने पढ़ा है तो बता दीजिएगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। उनसे ये भी पूछा गया कि एक उन्होंने डायरी निकाली, डायरी एक निकाली और उससे कहा, उनसे पूछा कि थिकनेस कितनी होगी गीता की, जो गीता की बुक है उसकी थिकनेस कितनी होगी, ये उनसे पूछा गया। तो उन्होंने रफली आइडिया बताया इतनी होगी, तो उन्होंने कहा आप पढ़ी क्यों नहीं अभी तक, मतलब कब पढ़ोगे? तो उन्होंने कहा सर घर पे रखी है और थिकनेस इतनी है, मुझे पेज का आइडिया नहीं है। और उन्होंने कहा कब, तो उन्होंने कहा कि मैं जॉब लगने के बाद इसको पढ़ने की कोशिश करूँगा, ठीक है? हर जगह से अच्छे पॉइंट्स उठाने चाहिए सभी इंसान को, और बुराई का प्रखर होके मुकाबला, लेकिन इंटरव्यू में आपको ये सब नहीं करना है। और प्लेन और जियोडेटिक सर्वेइंग में डिफरेंस पूछा गया, प्लेन और जियोडेटिक सर्वेइंग में डिफरेंस पूछा गया, बहुत बेसिक क्वेश्चन है माय डियर, नर्वस होने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ के जाना है आपको कुछ सब्जेक्ट्स जो कि इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्वेश्चन चाहते हैं तो भी कमेंट करके बताइएगा, मैं डालने की कोशिश करूँगा। और नॉर्मल जो पूछ रहे हैं कि कोई बहुत टफ सब्जेक्ट, टफ टॉपिक बोल देंगे, हिंदी में बोलेंगे इसको लिख के बताओ, हिंदी में लिख के बताओ, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों से, जैसे आशीर्वाद लिख के बताओ, ये नॉर्मल कुछ चीज़ें बहुत टफ डिफिकल्ट वर्ड्स बोल दिए जा रहे हैं, और स्टूडेंट से कहा जा रहा है कि आप हिंदी में इसको लिख के बताइए, ठीक है? और एक क्वेश्चन बहुत, ये राम मंदिर जो अभी बन रहा है, राम मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राम मंदिर के लिए जो आपका फाउंडेशन में कोई प्रॉब्लम आई है, अभी फाउंडेशन में कुछ प्रॉब्लम आई है, वो बन रहा है, क्वेश्चन पूछा गया बच्चों से कि क्या प्रॉब्लम आई है राम मंदिर के फाउंडेशन में, और राम मंदिर के जो उसमें अभी पैसा जमा हुआ है वो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितना कितना पैसा जमा हुआ है। तो ये राम मंदिर वाला देखिए, लास्ट टाइम भी डिस्प्यूट चल रहा था, कोर्ट केस चल रहा था, क्वेश्चन बन रहे थे, इस बार अब इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया तो ये क्वेश्चन बनेगा। राम मंदिर के अलावा जो बाबरी मस्जिद का जो था उसके लिए कहाँ जगह दी गई है, बाबरी मस्जिद की जगह कहाँ दी गई है, और वो लोग वहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन करने का प्लान कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता होगा वहाँ हॉस्पिटल बना रहे हैं और भी काफ़ी चीज़ें बना रहे हैं वो लोग, तो वो कहाँ पे दी गई है, कितनी जगह दी गई है, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। तो जो नॉर्मल जो है जजमेंट जो था लास्ट वाला, उसकी भी आप थोड़ी सी स्टडी कर लीजिएगा, कितने उसमें जज थे और जज के नाम्स वगैरह देख लीजिएगा। और फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फीमेल्स के लिए क्वेश्चन बन जाता है, फीमेल्स जज अभी तक कितनी रही हैं, ठीक है? फीमेल जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितनी रही हैं, फीमेल मेन सुप्रीम कोर्ट का पूछा जाता है, या बहुत कम संख्या है, तो आप फीमेल्स के लिए पढ़ लीजिएगा। और आपकी जो फीमेल्स की जो भागीदारी है, रिप्रेजेंटेशन है, वो बहुत कम है, उसके लिए क्या करना चाहिए भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक पैनल लेडीज़ का पैनल है जिसमें चेयरपर्सन है, तो ये भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जनरल नॉलेज के लिए आपको मैंने पहले ही बताया कि करंट से रिलेटेड जितने इशूज़ हैं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़पेपर में अभी आज अभी आप लेटेस्ट जो देख रहे हैं 1 महीने के अंदर, वो आपको नॉन टेक्निकल में पूछा जाएगा। और टेक्निकल आपका लगभग हर इंटरव्यू में टेक्निकल का वेटेज लगभग आपका 70-80% है, और नॉन टेक्निकल का वेटेज आपका वही 20% के करीब है, तो 30-20%, तो 20-30% नॉन टेक्निकल है। तो इस पे नॉन टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, आपको टेक्निकल में कमांड बना लीजिए, क्योंकि समय कम है, और भी मुझे जो मिलेगी जानकारी बच्चों की मैं वीडियो बनाता रहूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो माय डियर, तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोग जो भी इंटरव्यू दे के आते हैं मुझसे कनेक्ट जरूर होइएगा। 9807886133 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करिएगा माई डे, प्लीज़ इस पर कॉल बहुत इमरजेंसी हो तो आप करिएगा, अदरवाइज आप मैसेज ही डाल दीजिएगा, मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा जितना मुझे जानकारी होगी। आई होप ये वीडियो यूजफुल होगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।